अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हाँ सजाद हुसैन नेकुकारा चन्योड़ तो थोड़ा मेरा तमाम मेरे भाइयों नू बहनों नू बुजुर्गों नू सलाम जिहड़ा जिहड़ा भी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं। जिवें मतलब थानू पता है कि 12 रबी उल अव्वल आमदा है तो सारे बंदे नू ही मतलब पता लगता है कि रसूल करीम सल्लम का एक पैदाइश है। 12 रबी उल अव्वल बड़ा साढ़े वास्ते एक मुतबिर बड़ा मुकर्रम महीना है। सन चाहिए है कि असी रसूल करीम सल्लम की जिंदगी बारे पढ़ीए वेखीए परखीए रसूल करीम सल्लम की जिंदगी साढ़े वास्ते किवें नमूना पेश कर गए। उन्होंने एक एक कौल फेल जिहड़ा भी विखीवे वो ही दस दिन के रसूल करीम सल्लम की जिंदगी तो पता लगता है कि इंसान वास्ते वो एक रहमतुल आलमीन हैं। वो किवें रहमतुल आलमीन हैं? उन्हें अपनी जिंदगी दे विच लोगों के दिलों में किस तरह घर बनाए, किस तरह मकाम बनाए। हमेशा उन्होंने अखलाक जिहड़े सी वो साढ़े वास्ते बड़े अहम न। असी उन्होंने अखलाक के बारे अगर परखीए सानू यह पता चलता है कि इंसान की पहचान जिहड़ी है उन्होंने अखलाक नाल है। बाकी सारी चीज़ा जिहड़ियां आरज़ी लेकिन अखलाक जिहड़ा रसूल करीम सल्लम दे अगर वेख्या जाए जिंदगी नू नमूना बनाया जाए तो वो यही पता चलता है कि अखलाक जिहड़ा रसूल करीम सल्लम दा वो साढ़े सारयां वास्ते एक नमूना है। तो उन्होंने कई वाकई हैं जिन्हें बच्चों रसूल करीम सल्लम ने मतलब लोगों वास्ते आसानियां पैदा कीतियां। हद तक कुफार वास्ते जिहड़े उन्होंने उत्ते मतलब जुलम करते उन्होंने वास्ते भी रसूल करीम सल्लम दुआ करते उन्होंने वास्ते अच्छा पेश आते। इन एक बड़ा खूबसूरत वाकया है कि मतलब अबू बुढ़ी औरत सी ते ओ रसूल करीम सल्लम तो रोज़ाना कूड़ा क्रिकेट फेंकती सी। तो रसूल करीम सल्लम तो एक दफ़ा मतलब गुजरे तो कोई ना मतलब बुढ़ी जी है उस कोई ना मतलब फेंकया। तो रसूल करीम सल्लम आख्या कोई रसूल करीम फरमाया कि आज बुढ़ी कोई नहीं नज़र आई, पता नहीं की बनया। दूसरी दफ़ा फिर इस तरह होया, तीसरी दफ़ा जल्ले होया ना तो रसूल करीम सल्लम उन्होंने घर चले गए। तो बुढ़ी अगू बीमार सी, बुढ़ी जल्द बीमार सी तो उनके होया कि रसूल करीम सल्लम की जिम्मेदारी वास्ते जल्द गए थे घर गए तो रसूल करीम सल्लम वेख्या तो बुढ़ी मतलब मंजी ते पई सी ते बीमार हालत ते रसूल करीम सल्लम उनकी जिम्मेदारी की उनकी आदत फरमाई। तो जल्द ये सारा कुछ किया ना तो बुढ़ी बड़ा हुई कि मैं तेरे ते बड़ा जुलम करती रही हाँ, तेरे उत्ते पता नहीं की किया लेकिन तू मेरा दिल जीत लिया। तो यह अखलाकियात नू अज असी एक दूए नाल मतलब कि वह तो कुफारा नाल ते पता नहीं की असी एक दूए नाल इस तरह मतलब सैट कर रहे हैं कि असी को मतलब ये जिंदगी समझी बैठे हैं, कोई बड़ी गेम है। रसूल करीम सल्लम जी है उन्होंने जात साढ़े वास्ते उन्हें हमेशा सानू आख्या बस इको हाँ, एको कुछ इंसान हर इंसान बराबर है। रसूल करीम सल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है कि अन्नास उसीवासिया तू असनान उल मुश्त। हर इंसान जो है वो कग्गी दे मुश्त तरह बराबर है, कोई फर्क नहीं किसी नू मतलब कोई वड्डा है कोई निक्का है कोई सगीर है कोई अकबर है कोई वड्डा है या छोटा है या कोई काला है या चिट्टा है। सारी चीज़ा साड़ियाँ दुनियावी नू सन चाहिए कि असी रसूल करीम सल्लम की एक एक जिंदगी उत्ते जी रोशनी पा के उन्होंने चीज़ों नू पहुँचाविए क्योंकि रसूल करीम सल्लम की जिंदगी साढ़े सारे वास्ते अमली नमूना है। वो सारा कुछ कुरान मजीद रसूल करीम सल्लम की जिंदगी जी प्रडिक्ट हो रही है कि किस तरह रसूल करीम सल्लम ने सारा काम किए। तो साढ़े वास्ते इस तो वड्डी केड़ी और खुशबख्ती है कि या साढ़े वास्ते इस तो वड्डी केड़ा करम है कि असी एक रसूल करीम सल्लम हज़रत मुहम्मद सल्लम की उम्मती है। उन्होंने हमेशा अपनी मखलूक वास्ते दुआवा कीतियां, उन्होंने दुआ मतलब आख्या कि साड़ी मखलूक नू कुछ ना हो जाए। इतने करम साढ़े ते होए तो फिर असी बंदे हज़रत मुहम्मद सल्लम की जिंदगी तो दूर रहीए। तो साढ़े जी बदबख्ती मतलब साढ़े इदारों नू चाहिए है कि असी ये चीज़ा जिहड़ियां असी ये स्कूलों के जनाब जिहड़ा है रसूल करीम सल्लम की जिंदगी दे उत्ते को पीरियड होने चाहिए, को लैक्चर होने चाहिए कि रसूल करीम सल्लम दे अखलाकियात ते उमर रसूल करीम सल्लम की जनाब जी जिंदगी उत्ते सारे पहलुओं के उत्ते हयाता की जाए। किस तरह इमानतों के मतलब ख्यानत नहीं करते, किस तरह उन्होंने एक एक पहलू साड़ी जिंदगी वास्ते बड़ा मशलेरा है, एक अमली नमूना है। उन्होंने तो कोई शक ही नहीं कि वो लाल मरगीरियत जी परसनैलिटी से तो एक एक चीज़ जी अगर इदारों के करसुल लगे तो साढ़े मतलब काफ़ी फायदा हो सकता है इन चीज़ कि यंग जनरेशन के दिमागों के जोड़ा है ये नौजवानों के पता होना चाहिए कि साढ़े प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लम ने की मतलब अमली नमूना किया, किवें उन्हें दिल जीते काफर के दिलों में उन्हें किवें घर कते उन्हें अखलाक न किवें दुनिया के अपना नाम जोड़ा है इस्लाम का नाम बाला किया। तो इस वास्ते इदारों का मैं समझदा कि हक बनता है कि हकूमत पाकिस्तान का कि वह सबजैक्ट एक रसूल करीम सल्लम उत्ते ले आवेन या एक पीरियड एक हर यूनिवर्सिटी हर लाए हर स्कूल लैवल तो लैके तो उत्ते आना चाहिए है कि किस तरह रसूल करीम सल्लम दुनिया के अपना एक आलमगीरियत परसनैलिटी बनने के उन्हें अपना अखलाक जोड़ा है वह किस तरह किया। तो इन चीज़ों के उत्ते जितना हो सकता हुकूमत हूँ गौर करना चाहिए क्योंकि वक्त है ये हूँ वेला है भी असी अपना जोड़ा
चीज़ा हैं उन्होंने जनाब ए रसूल करीम सलम का बारह रबी अलवल दस बारह दिन जोड़े हैं इन्होंने उन्होंने जिंदगी मजीद जितना हो सके अच्छे तरीके पेश किया जाए ताकि लोगों तक उन्होंने मसीद जो है मजीद जो है उनकी जड़ियाँ चीज़ा वो पहुँची जाव। तो इस वास्ते मैं बड़ा समझदा कि जी जेड़ा जेड़ा बंदा भी है जिन्हें जेड़ा चीज़ा भी मतलब जिथे जिथे भी है चाहे वह किसी पिंड बैठा है वह अपना उत्थे डेरे ते बैठा है या कि स्कूल है या क्लासरूम है जिथे जिथे भी है उन्होंने चाहिए कि वह रसूल करीम सलम के कुछ ना कुछ एक वाक्या सुनावे कोई एक उन्होंने डी कोई ऐसी चीज़ जी उन्होंने वास्ते दूसरे दिमाग में कोई शेक कर दिमाग बदल जावे उन्होंने कोई भी कुछ भी हो सकता उन्होंने कोई एक अच्छा वाक्या पेश कर दिया जाए चाहे वह डेरे ते बैठा है बस स्टाप है जिथे जिथे भी है ये साडा सारे का हक बनता है कि असं उन्होंने एक एक जिक्र जोड़ा है उन्होंने एक एक वाकया जोड़ा दुनिया तक असं पहुँचाइए तो इस तरह असं दुनिया के चीज़ा पहुँचा सकते हैं कि अस उस हज़रत मुहम्मद सल्लम की उम्मती हैं किमें उन्होंने सबर से किमें असी तो अज मतलब छोटी थोड़ी गलों तू पटी जाने तो यह चीज़ा कोई नहीं तो इन्होंने सन चाहिए कि असी जितना हो सके सबर करिए बर्दाश्त करिए तो मेरा इस सारे वास्ते पैगाम है तो अपनी जिंदगी जी है वह रसूल करीम सलम दे जेड़े दस्से पैगाम हैं उन्होंने अमल करिए तो उन्होंने मुताबिक गुजारीए। वस्सलाम।